व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू एवरीथिंग ऑटो प्रो। स्वागत है आपका मेरे चैनल की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गाड़ी के बेसिक्स के बारे में। तो यार, अगर आपने वो वीडियो देखी हो जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए थे, तो मैंने आपको कहा था कि मैं गाड़ी के बारे में आपको धीरे धीरे करके एक एक चीज बताना शुरू करूंगा। तो स्वागत है आपका EAP Explains के एपिसोड 1 में। तो यार, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गाड़ी के कुछ बेसिक्स के बारे में। मैं लेके चलूंगा आपको गाड़ी के बोनेट यानी कि हुड के अंदर, और आपको बताऊंगा कि क्या क्या मेन कॉम्पोनेंट्स होते हैं, क्या क्या चीजें गाड़ी के बोनेट के नीचे आपको देखने को मिलेंगी, और साथ ही साथ किस किस चीज का क्या क्या फंक्शन होता है उस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो यार, बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं गाड़ी के बोनेट के अंदर और देखते हैं उसके नीचे क्या क्या हमको मिलता है और क्या क्या चीजें कैसा कैसा फंक्शन परफॉर्म करती हैं, जिससे गाड़ी के अंदर होने वाली अलग अलग चीजें हमें हेल्प करती हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार, मैं आ चुका हूँ कैमरा के पीछे। तो मैं आपको बाहर जाने से पहले दिखा देता हूँ कि गाड़ी का जो बोनेट है उसे ओपन कैसे करते हैं। तो यार, गाड़ी का बोनेट ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको मिल जाता है एक लैच। तो यार, सभी गाड़ियों में ये लैच यहीं पर होता है, आप देख सकते हैं। अगर आप ड्राइवर साइड पे थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो आपको ये लैच देखने को मिल जाएगा। एक्सेलेरेटर पेडल भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, और ये जो गाड़ी के बोनेट का साइन है, इस लैच को अगर आप ऐसे अपनी तरफ पुल करेंगे तो बाहर बोनेट ओपन हो जाएगा। सर, फाइनली आ चुके हैं गाड़ी के बाहर हम लोग। मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ कि एक और लैच हमको यहाँ पे ओपन करना पड़ता है। अभी मुझे नहीं पता कैमरा कितनी जस्टिस कर पा रहा है, बट यहीं पर एक और लैच होता है अंदर, जिसको आपको लेफ्ट की तरफ पुल करना होता है और आपका बोनेट जो है वो रिलीज हो जाता है। अभी आपको ये लैच यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो जब आप इस लैच को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो आपका बोनेट फ्री हो जाता है और आप उसे ऊपर की तरफ उठा सकते हैं। तो यार, इसके बाद जो सबसे ज़रूरी कंपोनेंट होता है वो होता है ये जो आप एक येलो कलर की स्टिक देख रहे हैं। कि कई गाड़ियों में ये आपको सेंटर में देखने को मिलेगी, तो कईयों में राइट साइड में भी देखने को मिल सकती है। मेरी गाड़ी में लेफ्ट में है। तो इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि ये आपकी गाड़ी के बोनेट को एक इस होल में जाती है स्टिक, और स्टेबल कर देता है ताकि आप इजीली कोई भी काम इसे कर पाएँ बिना इसे पकड़े। अभी आप देख पा रहे हैं गाड़ी के बोनेट में लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली मैंने बोनेट पकड़ा हुआ है। एक हाथ से ही लगाना पॉसिबल नहीं है, तो अगले शॉट में मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे गाड़ी के बोनेट को स्टेबल कर देता है, और इसे एडजस्ट करके चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। तो गाइस, जैसा कि मैं कह रहा था कि एडजस्ट हो जाएगा, देखिए ऐसे इस होल में फंस चुका है और अब आपकी गाड़ी का बोनेट जो है वो बिल्कुल स्टेबल हो चुका है, खड़ा है यहाँ पर बोनेट। आपको इसमें कोई भी और हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आराम से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा क्या क्या कॉम्पोनेंट्स रहने वाले हैं। व्यू ले लें एक बार मोटा मोटा। तो सबसे पहले आपको सबसे बड़ा पार्ट यहाँ पर दिख रहा है, जो गाड़ी का ब्रांड नेम भी यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंबल बना हुआ है, Hyundai i10 है ये। तो ये होता है आपकी गाड़ी का इंजन। बेसिकली आपको गाड़ी के सेंटर में सबसे बड़ा जो पार्ट दिख रहा है वो गाड़ी का पावर हाउस होता है। इसके बाद अगर मैं एक और मेजर कॉम्पोनेंट की बात करूँ तो यहाँ पर है मेरी गाड़ी की बैटरी। इस बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं, जैसे ही किसी भी और बैटरी के होते हैं। यूजुअली जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है वो आपको ऐसे कवर्ड मिलता है रबर से, और ब्लैक कलर का होता है यूजुअली। देखिए, इस पे पॉजिटिव का साइन भी बना हुआ है, और दूसरा जो टर्मिनल है वो नेगेटिव है। मेक श्योर कि आप अपने बोनेट के नीचे कोई भी क्लीनिंग का काम कर रहे हैं तो आपकी बैटरी डिसकनेक्टेड रहनी चाहिए। तो यार, इसके बाद अगर हम इस साइड से ही स्टार्ट करें तो यहाँ पर हमें मिलता है देखने को फ्यूज़ बॉक्स। इसके अंदर काफ़ी सारे फ्यूज़ होते हैं जो गाड़ी के इलेक्ट्रिकल्स में काफ़ी हेल्प करते हैं। खुल गया है यहाँ पे अपना फ्यूज़ बॉक्स, तो देख लेते हैं इसके नीचे आपको मिलने वाले हैं काफ़ी सारे फ्यूज़। और इसके जो कैप है, इसमें आपको मिलती है देखने को ये कोडिंग और एक एक क्लिप, जिसके हेल्प से आप इन फ्यूज़ेस को पुल कर सकते हैं और वापस भी लगा सकते हैं। तो इसको हम वापस लगा देते हैं। जी, तो ये इसमें लग चुका है वापस। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। फिक्स नहीं हुआ है आई थिंक। जी, अभी ये फिक्स हो गया है, पूरी तरह से फ्यूज़ बॉक्स बंद हो गया है यहाँ पे। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसके बाद यार, ये आपको हर गाड़ी में देखने को नहीं मिलेगा, ये एक पर्सनलाइज चीज़ है जो मैंने अपनी गाड़ी में लगवा रखी है, तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बढ़ते हैं और आगे। तो अब आते हैं गाड़ी के इंजन पर, जो मेन पार्ट आपका रहता है। तो अगर आप देखें तो आपको गाड़ी के इंजन में एक ये पाइप हमेशा दिखेगी किसी भी गाड़ी में। किसी गाड़ी में सामने को आ रही होती है, किसी गाड़ी में राइट साइड से मोड़ रखी होती है। तो बेसिकली ये पाइप जो है, ये इनलेट पाइप होती है, जिससे आपका इंजन जो है वो एयर को सक करता है और अपने इस कंपार्टमेंट के अंदर लेके आता है। बेसिकली ये जो कंपार्टमेंट है, यहाँ पर एयर जो अंदर आ रही है उसका फिल्ट्रेशन होता है। तो आपको खोल के मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर एक एयर फिल्टर लगा के दिया हुआ है। फ़िल्टर की कंडीशन काफ़ी अच्छी है अभी मेरी गाड़ी में, तो अभी इसको सर्विस की ज़रूरत नहीं है, इसे मैं आराम से बंद करूँगा बाद में।
इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो ये बेसिकली इंजन के कंपोनेंट्स रहते हैं यहाँ पे। यहाँ पर कहाँ गया, हाँ यहाँ पर मिलता है थ्रॉटल वॉल्व, जिसकी हेल्प से हम लोग अगर गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं तो यहाँ से पूरी पावर आती है। बेसिकली ये कंट्रोल करता है कि आपकी गाड़ी में कितना फ्यूल जा रहा है अंदर। और अगर हम इसके बाद बात करें और नीचे जाने की, तो यहाँ पर इंजन के कुछ और पाइप्स हैं जो आगे इंजन को ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं। तो यार इंजन की वर्किंग तो यहाँ पर मैं पूरी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास रहने वाला है वो है इस इंजन का एक ओपनिंग रहती है यहाँ पे, जिससे हम इंजन ऑयल को फिल या टॉप अप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से इंजन ऑयल अंदर जाता है इंजन के, इसको वापस लगा देते हैं। तो अगर आपको इंजन ऑयल टॉप अप करना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको दोबारा रिफिल करना है तो भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इंजन ऑयल से रिलेटेड एक मेजर कंपोनेंट यहाँ पर है, इस पर भी मेंशनड है, आप देख सकते हैं इंजन ऑयल मेंशनड है। तो ये बेसिकली डिपस्टिक होती है जो आपको इंजन ऑयल का लेवल चेक करने में हेल्प करती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें इंजन ऑयल का लेवल दो डॉट्स से इन्होंने दिखा रखा है। तो जो फर्स्ट होता है वो फुल है, और जो लास्ट लेवल आप देख पा रहे हैं तो वो है आपका डेंजर लेवल। अगर आपका ऑयल उससे नीचे जाता है तो आपको सर्विस कराने की सख्त ज़रूरत आने वाली है। पर इंजन के बाद चलते हैं, यहाँ पर एक और आपको ओपनिंग दिख रही है, इस पर आप क्लियरली लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं वॉशर ओनली। तो यार ये जो होता है ये आपके विंडशील्ड वॉशर का जो फ्लूइड होता है इसमें फिल करते हैं हम लोग। तो ये फ्लूइड बेसिकली क्या करता है, यहाँ से पाइप से कनेक्ट होकर ये इस नोज़ल में जाता है, और यहाँ से आपका विंडशील्ड जब भी आप साफ़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। किसी गाड़ी में एक नोज़ल होता है, मेरी गाड़ी में ऐसे दो नोज़ल्स हैं, तो इससे क्या होता है अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होता है पानी का, और इवनली विंडशील्ड को मैं साफ़ कर पाता हूँ। अगर इंजन के बाद एक जो मेजर कंपोनेंट गाड़ी में होता है वो होता है अपना कूलिंग सिस्टम। तो कूलिंग सिस्टम का क्या काम होता है कि वो इंजन को ठंडा रखता है। इंजन जब आप चलाते हैं तो वो लगातार गर्म होता है, ऑफ कोर्स फोर्सेस की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से जब इंजन गर्म होता है तो कूलिंग जो सिस्टम होता है वो अपना मेजर रोल प्ले करता है। तो यहाँ से जो कूलेंट है वो आप फिल कर सकते हैं, कूलेंट रिजर्वायर है बेसिकली ये। इसका नाम कूलेंट रिजर्वायर इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो कूलेंट है वो रहता है, बट कूलिंग सिस्टम के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। इसमें यार एक वार्निंग है, इसमें वार्निंग में अगर मैं आपको और पास से दिखाऊं तो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है नेवर ओपन व्हेन हॉट। तो जब भी आपकी गाड़ी कहीं पर चल के आ रही है या आपकी गाड़ी का इंजन गर्म है तो इसको बेसिकली आपको नहीं खोलना होता है। रीज़न ये होता है कि जब ये कूलेंट आपकी गाड़ी में सर्कुलेट हो रहा होता है तो इसका काम ही यही होता है कि इंजन को ठंडा करे। तो ये इंजन की हीट अपने अंदर ले लेता है तो कूलेंट गर्म हो जाता है। जब कूलेंट गर्म हो जाता है तो वो रेडिएटर के अंदर आता है, और ये जो कैप है ये रेडिएटर का ही कैप है जिससे कूलेंट वापस कूलिंग सिस्टम में जाता है और रीसर्कुलेट होता है। तो यार अगर आपको अभी भी कन्फ्यूज़न है तो मैं आपको थोड़ा और नीचे जाकर दिखा देता हूँ इसके अंदर। तो इस ग्रिल के पीछे जो आपको दिख रहा है, हाँ अब आपको ढंग से दिख पा रहा है, तो ये जो है बेसिकली आपका रेडिएटर है। और रेडिएटर के अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं तो रेडिएटर का एक फ़ैन भी होता है। यहाँ पर आपको जो देखने को मिल रहा है ये है आपका रेडिएटर फ़ैन। तो जब भी ये ज़्यादा गर्म होता है तो रेडिएटर फ़ैन भी एक्टिवेट हो जाता है। कूलिंग सिस्टम का बेसिक जो नाम है कूलिंग सिस्टम ही है, तो फंक्शन भी यही रहेगा कि वो इंजन को ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ऑपरेट करने में हेल्प करे और ठंडा साथ साथ करता रहे। यार इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर मैंने एक चीज़ जो मिस कर दी थी ये है अपना ब्रेक फ्लूइड का रिजर्वायर है अपने पास। यहाँ पर अगर आप ब्रेक फ्लूइड डालते हैं तो बेसिकली होता क्या है, ये भी इंजन में कनेक्टेड होता है, हाइड्रोलिक पावर लेता है। आपने नोटिस तो किया ही होगा कि जब भी आप गाड़ी का इंजन ऑन करते हैं तो ब्रेक सडनली बहुत हल्का हो जाता है, बहुत इफ़ेक्टिव हो जाता है। हल्का मतलब ऑपरेट करने में हल्का हो जाता है, और जैसे ही आप उसे प्रेस करते हैं तो बहुत इफ़ेक्टिवली उसको अप्लाई कर देता है ब्रेक्स को। तो होता क्या है कि ये जो फ्लूइड है इसमें थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होता है, ये हाइड्रोलिक पावर जनरेट करता है और आपके इंजन और आपके ब्रेक को हेल्प करता है कि आप उसे आसानी से अप्लाई कर पाएँ। अगर इसके बाद यहाँ पर अगर मैं और नीचे चलूँ, फोकस कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर मैं और नीचे चलूँ तो अभी स्क्रीन के सेंटर में जो आपको दिख रहा है उसे हम बोलते हैं ड्राइव बेल्ट। ये ड्राइव बेल्ट बेसिकली आपके इंजन के साथ जुड़ी हुई होती है, तो आपका इंजन जब ऑपरेट कर रहा होता है तो ये बेल्ट भी आगे को घूमती है। और ये बेल्ट जो कनेक्टेड होती है वो कई कंपोनेंट्स में कनेक्टेड होती है, और जो मेजर कंपोनेंट है इसके कनेक्शन के साथ वो रहता है यार अपना अल्टरनेटर। अब आप सोचें कि अल्टरनेटर क्या करता है,
तो अल्टरनेटर यार ये करता है कि कभी आपने ये सोचा कि आपकी जो गाड़ी की बैटरी है वो कभी डाउन क्यों नहीं होती है, या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो आपने कभी ये सोचा कि जब आप गाड़ी को लंबे समय तक नहीं चलाते तो ये डिस्चार्ज क्यों हो जाती है? तो इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि ऑल्टरनेटर जो होता है वो आपके इंजन से पावर लेकर आपकी बैटरी को देता रहता है। बेसिकली जो अपना घर का जनरेटर होता है वो भी तो यही करता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है और आपकी बैटरी को चार्ज कर देता है, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर यहाँ पर इसको देता रहता है। तो यार ये तो थी कुछ बेसिक चीज़ें, अब मैं आता हूँ कुछ अच्छी चीज़ों के ऊपर जो आपको काफ़ी पसंद आने वाली हैं। ये होता है हमारी गाड़ी के एसी का पाइप। दो पाइप्स आपको देखने को मिलेंगे जो आपके एसी को चलाने में हेल्प करते हैं। इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस पर एच लेटर मेंशन किया हुआ है, और मैं आपको यहीं पे दूसरा पाइप दिखा देता हूँ तो इस पर एल लेटर मेंशन किया गया है। इन दोनों का सिग्निफिकेंस ये है कि एक में आपको हाई प्रेशर मिलता है और दूसरे में आपको लो प्रेशर मिलता है। तो जब भी आप एसी को सर्विस कराए जाते हैं, यानी कि एसी गैस रीफिल कराते हैं, तो उसमें आपको मशीन में भी सिमिलर दो टाइप के पाइप्स देखने को मिलेंगे जो इनके प्रेशर्स को मेजर करके ये बता देता है कि आपको एसी के सर्विस की ज़रूरत है या नहीं है। तो अब कई लोग मुझसे ये सवाल पूछेंगे कि इंजन ऑयल जो चेंज होता है वो बेसिकली निकलता कहाँ से है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इंजन ऑयल निकलता कहाँ से है, तो मैं आपको किसी दिन इस गाड़ी को लिफ्ट पर चढ़ाकर नीचे का टूर ज़रूर दूंगा, क्योंकि नीचे भी एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, ऑयल फिल्टर, जिससे मैं अभी आपको रूबरू नहीं करा सकता क्योंकि वो प्रैक्टिकली मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये बातें बाद में करेंगे जब मैं आपको इस गाड़ी की सर्विस पर एक वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। तो यार बोनेट को कर दिया है बंद और मैं आ चुका हूँ गाड़ी के अंदर वापस। मैंने आपको गाड़ी के बोनेट के नीचे का एक अच्छा टूर दिया है। मुझे लगा कि ये जो बेसिक लर्नर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम ड्राइवर्स हैं, वो भी अपनी गाड़ी को अच्छे से जान पाए, उनको पता लगे कि उनकी गाड़ी के इंजन बे में क्या क्या कॉम्पोनेंट्स रहते हैं। तो एक बेसिक जानकारी के लिए आई सपोज ये इन्फॉर्मेशन काफी थी। अगर आप इस पे एक और टेक्निकल वीडियो चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको गाड़ी के नीचे का टूर दूं कि गाड़ी के नीचे क्या क्या कॉम्पोनेंट्स रहते हैं, शॉकर असेंबली, ट्रांसमिशन और भी बहुत कुछ, तो उसके लिए आप नीचे कॉमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं डेफिनेटली इस गाड़ी को वर्कशॉप पर लेके जाऊंगा, आपके लिए इसे लिफ्ट पर उठाऊंगा और आपको एक गाड़ी के नीचे का एक डिटेल टूर भी दूंगा। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यार वीडियो को शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल आइकन भी जरूर दबा दें, जिससे जब जब मैं वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास और आप आ जाए मेरी वीडियो को देखने जल्द से जल्द। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आई होप ईएपी एक्सप्लेन्स का ये फर्स्ट एपिसोड आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही आगे चलते चलते मैं गाड़ी के बेसिक्स के बारे में और कुछ टेक्निकलिटीज के बारे में आपको बताऊंगा काफी सिंपल भाषा में। आई होप मैंने एक्सप्लेन किया है, सबको समझ आ गया होगा। तो यार बने रहिए इसी तरह। ईएपी एक्सप्लेन्स की सीरीज जो मैंने चालू की है बहुत इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, बहुत कुछ आपके लिए मैंने सोच रखा है। तो यार ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरी फैमिली को ग्रो करने में हेल्प कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।